हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 90 जो कि 24 फरवरी के लिए जारी की गई है। क्लास 9th की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और ये अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है टिशू रिविज़न में और आज हम पढ़ेंगे ज़ाइलम और फ्लोएम टिशू के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट और आपका चैप्टर टिशू और पढ़ते हैं ज़ाइलम और फ्लोएम के बारे में। तो बच्चों, जब ज़ाइलम फ्लोएम के बारे में हम पढ़ेंगे, सबसे पहली चीज़ हमको ये पता चलता है कि ज़ाइलम क्या करता है। ये वेस्कुलर और मैकेनिकल सपोर्ट या मस्कुलर और मैकेनिकल टिश्यू के तौर पे काम करता है। फिर दूसरा काम इसका है वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करना सोइल से प्लांट की तरफ। ये चार कंपोनेंट का बना होता है बच्चों, ज़ाइलम ट्रैकेट, वेसल, पैरेन्काइमा और फाइबर। ट्रैकेट्स और वेसल का काम होता है ट्रांसपोर्ट करना वाटर और मिनरल्स को वर्टिकली। फाइबर का काम होता है स्केलेनकाइमा और स्टड से बना हुआ है। ये स्टडनेस प्रोवाइड करता है, एक तरह से रिजिडिटी कह दीजिए आपको, वो प्रोवाइड करता है। फिर है ज़ाइलम पैरेन्काइमा। ज़ाइलम पैरेन्काइमा क्या करता है, स्टोर करता है फूड को लेटरल ट्रांसपोर्ट यानी कि ऊपर की साइड में ट्रांसपोर्ट साइड में से करता है ये वाटर और मिनरल। बात करें अगर फ्लोएम की, तो फ्लोएम क्या करता है, लीव्स में जो फूड बनता है उसे अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाने का काम करता है ये प्लांट के। ये भी चार कंपोनेंट से बना होता है बच्चों, सीवी ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और आखिरी में फ्लोएम फाइबर। सीवी ट्यूब्स और ट्यूबलेस सेल्स परफोरेटेड सेल वाल के साथ होते हैं, जिसमें सीवी ट्यूब सेल्स से एकम्पेनियड और कंपेनियन सेल के साथ बनी होती है। अब कंपेनियन सेल क्या होते हैं, इनमें न्यूक्लियस और अदर सेल ऑर्गेनिस होती है। अगर बात करें लिविंग कंपोनेंट्स की, तो फ्लोएम फाइबर को छोड़कर के जितने भी कंपोनेंट है फ्लोएम के, वो सारे के सारे लिविंग है। एक यही कंपोनेंट ऐसा है जो नॉन लिविंग कंपोनेंट में गिना जाता है बच्चों। चलिए बच्चों, तब जरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ज़ाइलम एंड फ्लोएम। तो कंपोनेंट्स ऑफ ज़ाइलम एंड फ्लोएम में ये आपका चार चार कंपोनेंट है जो आपको लिखनी है, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट बिटवीन ज़ाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। तो इसमें जब डिफरेंस देखेंगे तो इसका काम है वेस्कुलर मैकेनिकल टिश्यू और के तौर पे काम करना, और वाटर और मिनरल का क्या करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, और इसका काम है फूड को लीव से अदर पार्ट्स में सप्लाई करना। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ ज़ाइलम एंड फ्लोएम प्लांट। तो इनकी सिग्निफिकेंस भी यही है कि इनका काम क्या है बच्चों। और चीज़ें लिखना चाहते हैं तो आप ये लिख सकते हैं इसमें, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देख लेते हैं हम, एसेंशियल रीजन वाले 4 और 5। 4 को देखते हैं पहले। 4 है, ज़ाइलम पैरेन्काइमा सेल स्टोर्स फूड इन द फॉर्म स्टार्च। ये ठीक है, दे आर स्मॉल एंड थिक वॉल्ड, ये गलत है, तो इसका ऑप्शन हो गया सी। चलिए अगला देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में है, ए में ए सिंपल टिश्यू इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। तो ये ठीक है, वेरियस सिंपल टिश्यू इन प्लांट एंड पैरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा आर एंड स्केलेनकाइमा, ये भी ठीक है, पर एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे, इसलिए इसका आंसर आ गया बी बच्चों। आगे बढ़ेंगे तो हमें एक क्वेश्चन मिलेगा बच्चों, जिसमें हमें एक पैराग्राफ पढ़ना है, पैराग्राफ के बाद क्वेश्चन का आंसर देना है। तो पहले पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। ज़ाइलम एंड फ्लोएम आर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, दे आर ऑल्सो नोन एज कंडक्टिंग वेस्कुलर टिश्यू। फ्लोएम फाइबर्स आर मैकेनिकल सपोर्ट टू सीवी ट्यूब्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पर का आंसर देखते हैं हम, विच कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम इज मेड अप फ्रॉम नॉन लिविंग सेल। तो इसमें सिर्फ फ्लोएम फाइबर ही ऐसा कंपोनेंट है जो नॉन लिविंग सेल से बना होता है, बाकी सारे के सारे ये लिविंग कंपोनेंट से बने हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है, द परमानेंट प्लांट टिश्यू विच इज लिविंग एंड थिन वॉल्ड इज, ये है पैरेन्काइमा बच्चों, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट, और वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।